हे गाइस, स्वागत है मेरे चैनल इंट्रेडे गाइड शिवांश भसीन पे। सो गाइस, आज हम बात करेंगे कि हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इस सीरीज में हम क्या करेंगे, इस सीरीज में हम करेंगे कि जो भी मैं आपको जो मैं स्टॉक सेलेक्ट करवाता था कि आपको पर्टिकुलर दिन के अंदर ये इन स्टॉक्स में ट्रेड करके चलना है, जो इसमें मैं आपको टारगेट या स्टॉप लॉस देता था, वो मैं आपको क्यों देता था, आप मैं चार्ट्स में ऐसा क्या देखता था कि मैं आपको वो पर्टिकुलर 5 स्टॉक्स देता था नेक्स्ट डे आप मार्केट में जिसमें ट्रेड कर सकते थे। गाइस, अब मैं एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें मैं आपको उन स्टॉक्स के चार्ट्स भी दिखाऊंगा, जिसमें मैं आपको हर दिन बताऊंगा कि इन चार्ट्स में ऐसा पर्टिकुलर क्या बन रहा है या क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है कि मैं आपको ये पर्टिकुलर ट्रेड्स दे रहा हूँ इंट्राडे के अंदर। आप अगले दिन उसे फॉलो करिएगा, चार्ट्स को ऑब्जर्व करिएगा कि वो उस डायरेक्शन में जा रहा है या नहीं जा रहा, और उन स्टॉक्स में मूवमेंट हो रही है हमारे अकॉर्डिंगली या नहीं हो रही है। गाइस, इससे होगा ये कि हम इंट्राडे के अंदर ट्रेड भी कर पाएंगे, हम पैसा भी कमा पाएंगे और साइड बाय साइड हम सीख भी लेंगे कि किस तरीके से स्टॉक्स का सिलेक्शन मैं करता हूँ। गाइस, इसी के साथ हर एक वीडियो पे आपके लिए एक ऑप्शन या फ्यूचर ट्रेड दिया जाएगा आखिरी में, यानी कि आपको एक ऑप्शन कॉल दी जाएगी या फिर एक कोई फ्यूचर का ट्रेड दिया जाएगा जो आप नेक्स्ट डे मार्केट में ट्रेड ले सकते हैं उन दोनों में, और उसमें पोजिशन मेरी भी होगी। गाइस, जो भी प्रॉफिट होगा वो मैं आपके साथ नेक्स्ट उसमें शेयर जरूर करूंगा जो भी मैं ट्रेड लूंगा, और गाइस उसका जो स्क्रीनशॉट होगा वो आपके साथ जरूर शेयर करा जाएगा जो भी ऑप्शन या फ्यूचर ट्रेड में लूंगा। गाइस, इसी के साथ जो 5 स्टॉक्स है उस पर भी मैं कोशिश करूंगा कि मैं ट्रेड लेना शुरू करूं, और जो भी ट्रेड्स लूँ उसकी जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसके साथ मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दिया करूंगा कि आज हमें कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ। और अब हम सीखेंगे कि किस तरीके से चार्ट्स में हम देखते थे कि हमने आपको स्टॉक सजेस्ट करवाता था। इससे होगा ये कि आप लोगों को भी पता चल जाएगा कि सिर्फ ट्रेंड लाइंस और मूविंग एवरेजेस के बेसिस पे ही और फिबोनाची के बेसिस पे ही सिर्फ ये 3 चीजें हैं जिसकी वजह से मैं अपना खुद का स्टॉक सिलेक्शन भी करता हूँ। कोई इंडिकेटर्स हम फॉलो नहीं करते, एक सिंगल इंडिकेटर भी मैं फॉलो नहीं करता हूँ, उसके बेसिस पे ही मैं आपको स्टॉक सिलेक्ट करवाता हूँ और सिर्फ वॉल्यूम्स के बेसिस पे। सो गाइस, सबसे पहले बढ़ते हैं कौन से स्टॉक्स हमने सिलेक्ट करें। स्कॉट्स बाय करने की सलाह दी जाएगी आपको इसमें 685-694 के टारगेट के साथ, स्टॉप लॉस आपको 671 का लगा के रखना पड़ेगा। मैं ज्यादातर जो भी मैं आपको स्टॉक्स दूंगा वो या 1 या 2 दिन की होल्डिंग पर्पज से भी हो सकते हैं। अगर आज टारगेट अचीव नहीं होता तो आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं कि आपको अगले दिन वो टारगेट अचीव होते हुए दिख जाएगा। तो जो स्टॉप लॉसेस हैं वो थोड़े डीप हो सकते हैं, पर टारगेट भी आपको अच्छे मिल सकते हैं। उज्जीवन बाय शॉर्ट करने की सलाह दी जाएगी आपको उज्जीवन के अंदर। उज्जीवन में भी हम शॉर्ट करके जा रहे हैं क्योंकि मुझे जो इसके एक्सपेक्टेड टारगेट लगते हैं वो लगते हैं 250 तक के इस फेब्री सीरीज के अंदर अंदर। तो गाइस, एक स्टॉप लॉस जो मैं आपको सजेस्ट करवा रहा हूँ 287 का, अगर बाय चांस 287 के ऊपर क्लोजिंग दे देता है ये पर्टिकुलर ट्रेड तो ये एक फ्रेश बाय बन जाएगा हमारे लिए, और उज्जीवन के हम जो फिर आगे के टारगेट्स है वो तब एक्सपेक्ट और तब उसके बारे में बात करेंगे। पर अभी तक जब तक ये 287 को क्रॉस नहीं कर रहा तब तक हम इसे शॉर्ट करके चल सकते हैं। और गाइस, अगर आप इसमें एक पोजिशनली शॉर्ट ट्रेड लेना चाहते हैं तो गाइस आप इसको 276 के नीचे क्लोजिंग देता है या 276 के नीचे ट्रेड करता है तो भी आप इसको शॉर्ट करके चल सकते हैं पोजिशनली। अगर उसके ऊपर जैसे आज हमने देखा था कि 276 के नीचे हम अपने क्लाइंट्स को भी उसके लिए पोजिशन दी थी, पर 280 के ऊपर जाके इसने क्लोजिंग दी है। पर गाइस, ये अभी भी एक पोजिशनल कंडीशनल शॉर्ट है उज्जीवन। HSIL ये एक पर्टिकुलर ट्रेड है कैश में जो मैं आपको दे रहा हूँ बाय करने के लिए। इसके जो मुझे एक्सपेक्टेड टारगेट्स लगते हैं वो 295 के लगते हैं, अप्रॉक्स वहां तक पहुंच सकता है ये HSIL। तो गाइस, इसके 258 को आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा, 273 का आपको टारगेट इसमें मेंटेन करके चलना पड़ेगा। गाइस, टेक महिंद्रा बाय करने की सलाह दी जाएगी आपको इसमें 756-762 के टारगेट के साथ, स्टॉप लॉस आपको इसमें 740 का सजेस्ट करवाया जाएगा। करंट मार्केट प्राइस 749 ट्रेड कर रही है। स्टॉप लॉस इसमें आप थोड़ा डीप भी लेकर चल सकते हैं, यानी कि 736 का भी आप स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं क्योंकि ये जो काउंटर है ये थोड़ा सा वोलेटाइल हो सकता है कल के ट्रेडिंग सेशन के अंदर, तो इसमें हमें देख कर चलना पड़ेगा। गाइस, इस जो 5 स्टॉक्स हैं उसके बाद मैं आपको एक ऑप्शन की कॉल दूंगा, उसके बाद हम चार्ट्स की तरफ बढ़ेंगे कि चार्ट्स में इन पर्टिकुलर 5 ट्रेड में ऐसा क्या पैटर्न था कि मैंने आपको ये 5 कॉल्स इंट्राडे के लिए दे रखी है। रिलायंस बुलिश तरीके से बाय करने की तरीके आपको दिया जा रहा है, 1302-1315 तक के टारगेट्स आपको एक्सपेक्ट कर सकते हो, और मुझे लगता है कि 1325 तक भी, यानी कि जो इसकी न्यू हाइज है वहां तक भी प्रोबेबली कल या परसों तक आराम से जा सकता है। स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा इसमें 1279 का करना पड़ेगा।
गाइस आज रिलायंस बहुत तेजी से भाग गया था और इसमें मेरा फोकस नहीं जा पाया, पर ये मेरी एक ट्रेडिंग लिस्ट में था कि ये मेरी वॉच लिस्ट में था कि मुझे इस पर्टिकुलर स्टॉक को बाय करवाना, और ऐसा चार्ट्स में क्या था कि वहां से ये घूमा था कि मेरे लिए ये एक बाय रिडार में आया। तो गाइस अब हम बढ़ते हैं एक ऑप्शन ट्रेड पे जो की है बाय करने की, आपको कॉल मारुति की फेब की 7200 की, आपको एक कॉल बाय करके चलनी है मारुति की 100 to 110 के बीच में, आप इसे बाय करके चल सकते हैं। पोजिशनल कॉल है, 2 दिन की होल्डिंग पर्पज से है। टारगेट आप इसमें जो एक्सपेक्ट कर सकते हैं 140-175 का कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको इसमें 60 का मेंटेन करके रखना पड़ेगा। गाइस इस पे भी मैंने अभी पोजीशन अपनी ले रखी है, तो गाइस इसको भी मैं आपको अपने तरीके से बता रहा हूँ, जो भी मैं पोजीशन लूंगा वो सब मैं आपके साथ शेयर करूंगा नेक्स्ट डे कि मैंने कौन सी पोजीशन ली और आपको कौन सी पोजीशन देनी चाहिए। तो गाइस इस लेवल को मैंने 90 पे बाय कर रखा है, मैंने 90 पे से बाय कर रखा था। तो गाइस अभी ये थोड़ा बहुत भाग चुका था, पर ये मेरे अभी एक बाय जोन के रिडार पे आ चुका है और अभी ये एक बेस्ट कैंडिडेट बन चुका है बाय करने के लिए। 7200 की आपको इसको कॉल बाय करके चलनी है। लोअर लेवल्स पे भी अगर आपको एक कल मिल जाती है तो भी आप इसे डिप पे बाय करके चल सकते हैं, और ये आपको 2 या 3 दिन के पर्पज से आपको अच्छा खासा टारगेट अचीव करवा सकती है। सो गाइस अब हम बढ़ते हैं चार्ट की तरफ और चांस बाय चांस हम पर्टिकुलर 5 जो स्टॉक्स हैं उनकी स्टडी करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि सबसे पहला जो मैंने एक स्टॉक आपके लिए सिलेक्ट कर रखा है वो है स्कॉट्स। सो गाइस स्कॉट्स में ऐसा क्या बन रहा है कि मैंने आपको ये बाय के लिए दिया है। सो गाइस अब हम देखते हैं, आप देख सकते हैं मैंने सिर्फ ट्रेंड लाइन फिबोनाची और सिर्फ मूविंग एवरेजेस का ही फॉलो करते करते आपको स्टॉक सेलेक्ट करवाए हैं, और उसमें भी हमें अच्छा खासा टारगेट अचीव हो जाता है। सो गाइस आप देख सकते हैं मैंने एक ट्रेंड लाइन बनाई है, सिर्फ हाइस को मिलाते मिलाते एक ट्रेंड लाइन बनाई है जो एक रेजिस्टेंस का काम करती है। एक जो लोअर लोज बन रहे हैं उसको मैंने जब जोड़ा तो मुझे एक सपोर्ट देखने को मिला। गाइस जब एक सपोर्ट देखने को मिला तो मैंने देखा स्कॉट्स में कि यहाँ से 4 से 5 दिन पहले उसने एक अपनी ट्रेंड लाइन को टेस्ट करने की कोशिश करी, उसके बाद हमने एक रिवर्सल देखा, रिवर्सल के बाद उसने अगले दिन ही उस कैंडल के हाई को क्रॉस कर दिया था। जो प्रीवियस जो रेड कैंडल की कैंडल थी जिसमें हाई वॉल्यूम्स थे उसको ब्रेक कर दिया था और उसके ऊपर जाके फिर वो ट्रेड करने की कोशिश करी थी। तो ये एक रेंज बन चुकी है, यानी कि अब जो इसके हम एक्सपेक्टेड टारगेट लेकर चल सकते हैं स्कॉट्स के अंदर वो है जो इसका अपर रेजिस्टेंस है, जो इसका अपर हम कह सकते हैं ट्रेंड लाइन है, यहाँ तक जाने की इसकी संभावना बहुत ज्यादा बन सकती है स्कॉट्स के अंदर जिस तरीके से हमने इसमें एक फॉल देखा था। दूसरी बात हमें इसमें क्या देखने को मिली, दूसरी बात अगर हम इसमें एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट बनाते हैं अपने हाई और लो से तो आप देख सकते हैं कि 50% रिट्रेसमेंट लेवल जो है और 61 और जो 38, ये जो तीन जो मैं आपसे हमेशा कहते रहता हूँ अपनी हर वीडियो में सजेस्ट करता हूँ कि फिबोनाची में ये जो तीन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक पर्टिकुलर स्टॉक में एक सेलेक्टिवली अच्छा सा बाय या शॉर्ट ढूंढने के लिए। सो गाइस आप देख सकते हैं ये जो मैंने ट्रेंड लाइन बना रखी है उसका जो लो है कैंडल का 38.2% के रिट्रेसमेंट लेवल पे है, और उसके बाद आप देख सकते हैं इसने कंप्लीटली 2 या 3 ट्रेडिंग सेशन के अंदर अंदर ही इसने 50% के रिट्रेसमेंट लेवल को भी क्रॉस करके 61 तक पहुंच चुकी है। तो हमारे लिए जो एक प्रेफरेबल बाय था वो हमारे लिए एक प्रेफरेबल बाय स्कॉट्स में था, 50% के रिट्रेसमेंट लेवल को जब वो क्रॉस करके ऊपर जाए तो हमें इसे बाय करना था, यानी कि 660 के लेवल के आसपास हमें इसे बाय करके चलना था। तो गाइस हमने इसे बाय नहीं कर पाए, पर अभी भी एक ये बेस्ट कैंडिडेट बन गया है। बेस्ट कैंडिडेट मैं आपको अभी इसे नहीं कहूंगा जब तक कि ये 786 का लेवल क्रॉस करके ऊपर सस्टेन नहीं करती है। गाइस 7686 की बात मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि वो है 61.8% का फिबोनाची रिट्रेसमेंट का लेवल। आप देख सकते हैं जो मैंने एक टारगेट दे रखा है सेकंड, वो भी 685 का ही दे रखा होगा आपको, मुझे जो एक्सपेक्टेड इंटरडे में टारगेट्स एक्सकॉर्ट्स के लगते हैं वो 685 का है। बाय चांस अगर इसके ऊपर एस्कॉर्ट्स ट्रेड करने लग जाता है तो जो हमारे जो टारगेट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम वो 750 तक के भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और ये अपर रेंज में अपने इस जो चैनल बना हुआ है उसके अपर रेंज में भी जाके ये ट्रेड कर सकता है। सो गाइस आप सबसे पहले एक काम जरूर करा करिए, जब भी मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लेकर आने वाला हूँ आप अपने खुद के प्लेटफॉर्म पे ये पर्टिकुलर स्टॉक खोलिए, चार्ट ओपन करिए और जैसी ट्रेंड लाइन्स फिबोनाचीज मैंने बना रखी है वो आप खुद ड्रॉ करिए। ड्रॉ करने के बाद आप उसे हर दिन फॉलो करिएगा, ये नहीं कि मैं आपको अगले दिन कोई स्कॉट्स नहीं देता हूँ तो आप उसे फॉलो करना भूल जाएंगे। जो भी पर्टिकुलर ट्रेड्स मैं आपको दूंगा उसे आपको कंटिन्यूसली फॉलो करके रखना पड़ेगा और आप देखेंगे कि आपको किस तरीके से समझ में आने लगेगा।
आप देख सकते हैं कि 61% जो ट्रेसमेंट लेवल है वो कितनी बार रेजिस्टेंस का काम कर रखा है, उसके ऊपर जाके वापस नीचे आ जाता है, आप देख सकते हैं। तो ये एक चैनल है 61% का ट्रेसमेंट लेवल, कल तक शायद एस्कॉर्ट्स वहां पर जा सकता है, उसके ऊपर क्लोजिंग हमें देखने को मिलती है। तो क्लोजिंग के भी मैं आपको फॉलो के रूल्स बता चुका हूँ। अगर हम बोलते हैं कि इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करके वो ऊपर गया है और उसके ऊपर क्लोजिंग दी है, तो इसका मतलब ये है कि 2 या 3 ट्रेडिंग सेशंस उसके ऊपर ही वो क्लोज होना चाहिए, विद ग्रीन कैंडल्स होना चाहिए और वॉल्यूम्स अच्छे खासे होने चाहिए, तो ही हम उसमें एक बाय जोन बनाएंगे या फ्रेश बाय करने की कोशिश करेंगे। सो एस्कॉर्ट्स हमने देख लिया, अब उसके बाद हम बढ़ते हैं उज्जीवन पे। तो ये मैंने उज्जीवन का चार्ट ओपन करके रख लिया है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक सिर्फ ट्रेंड लाइन को फॉलो करके रखा हुआ है और मूविंग एवरेजेस, इसमें मैंने फिबोनाची का यूज बिल्कुल भी नहीं कर रखा। तो आपको ये जो ट्रेंड लाइन है वो बिल्कुल समझ में नहीं आने वाली। इस ट्रेंड लाइन को मैं आपको एक इजली तरीके से अर्ली चार्ट्स में समझाता हूँ, तो आप आराम से समझ जाएंगे। गाइस ये मैंने अर्ली का चार्ट ओपन कर दिया है, आप देख सकते हैं कि जो ये उज्जीवन का स्टॉक है वो पर्टिकुलरली इसी चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है, यानी कि अगर मैं इस चैनल को थोड़ा और एक्सटेंड कर दूं तो आप देख सकते हैं सिर्फ उज्जीवन इस चैनल के अंदर ही ट्रेड कर रहा है। ये जो आपको पैटर्न दिख रहा है ये इस चैनल के बाहर बिल्कुल भी नहीं गया। अब हुआ ये कि हमने एक उज्जीवन पे, हम ज्यादातर अपने क्लाइंट्स को ज्यादातर शॉर्ट या बाय की पोजीशन देते हैं, क्योंकि उज्जीवन पे एक बेस्ट तरीके का हम कह सकते हैं पैटर्न डेवलप हो चुका है। गाइस अब क्या हो रहा है उज्जीवन पे, अब हम देखते हैं। आपने देखा होगा कि उज्जीवन ने इस पैटर्न को लोअर लेवल्स में ब्रेक करा, ब्रेक करने के बाद हमने देखा था कि लोअर लेवल्स में ब्रेक करने के बाद हमने देखा 200 देखा जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है आली चार्ट में, उसे भी इसने ब्रेक कर दिया। उसके बाद उसे रेजिस्टेंस मान के वापस ऊपर गया, जब ये वापस अपने इस लेवल्स पे आया तो हमारे लिए फ्रेश शॉर्ट पोजीशन थी, क्योंकि वापस अपने ये सपोर्ट को जो था उसको ब्रेक करने के बाद उसे रेजिस्टेंस मान के एक बार ऊपर की तरफ गया, और हम जैसे जो रिटेल इन्वेस्टर्स है हमारे लिए फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस इसमें यहाँ पर बनती थी। तो यहाँ पर हमने शॉर्ट पोजीशन बनाई थी और वहां से हमने शॉर्ट करा, वापस हम देख सकते हैं कि मार्केट इस तरीके से ही ट्रेड कर रही थी। उज्जीवन में हमने देखा था कि जो इसकी रेंज है उस रेंज को इसने ब्रेक करा था इस लेवल पे, उसके बाद वापस हमने देखा था कि नेक्स्ट डे उसी लेवल को वो ब्रेक करके नीचे आ गया था और जो इसकी रेंज थी उस रेंज को इसने अगले दिन तोड़ दिया था। गाइस अब हम देख रहे हैं कि इस रेंज के नीचे ही ये पर्टिकुलर काउंटर ट्रेड कर रहा है बहुत टाइम से। ट्रेड करने का मकसद ये है कि आज हमने इसमें भी अपनी एक शॉर्ट पोजीशन दी थी क्लाइंट्स को, तो अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से ये काम कर रहा है। ये आप देख सकते हैं कि ये पर्टिकुलरली एक फॉल आई, चार लगातार ग्रीन कैंडल्स बनी, पर ग्रीन कैंडल्स बनने के बाद भी इस पर्टिकुलर ट्रेड ने इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दी, क्लोजिंग नहीं थी, हम देख रहे हैं इसके अंदर ही ट्रेड कर रहा है। पर अब हम देख रहे हैं कि इसमें जो अगर हम बात करें वॉल्यूम्स हैं वो वॉल्यूम्स भी कम हो रहे हैं और साइड बाय साइड वॉल्यूम्स अब शॉर्ट की तरफ ज्यादा बढ़ने लग गए हैं। सो गाइस अब मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि एक ये बेस्ट कैंडिडेट बन सकता है पोजिशनली शॉर्ट करने के लिए। अब मैंने आपको एक लेवल दिया था इसमें शॉर्ट करने के लिए कि आप 276 के नीचे से शॉर्ट करिएगा, जो भी अगर आप मेरी वीडियो को वापस बाइंड करके देखेंगे रिवाइंड तो आप समझ जाएंगे, वो लेवल है 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आर्ली चार्ट का, या जो 277 पे है इसके नीचे ही हमने इसे शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट करवाई थी अपने क्लाइंट्स को। उसके बाद हमने ऊपर एक रिकवरी आते हुए देख ली थी, ये फॉल्स रिकवरी आ गई है, हम देख सकते हैं कि शायद कल इंट्राडे से ट्रेडिंग सेशन के अंदर अंदर ये वापस इसे ब्रेक कर दे और हम एक अच्छे लेवल्स नीचे की ओर देख सकते हैं। तो गाइस इस लेवल के नीचे अगर आपको इसे शॉर्ट करना हो तो जो सेफ ट्रेडर्स हैं उनके लिए जो एक्सपेक्टेड टारगेट मैं रख रहा हूँ वो रख रहा हूँ 272 का, जो कि इसका वापस ये लो है, उसके नीचे तो हम अपने टारगेट्स एक्सपेक्ट कर चुके हैं जो 250 की एक टारगेट बन रही है। और ब्रोकर्स भी अगर हम कह सके तो जो ब्रोकर्स हैं वो भी इसके अंदर सिर्फ नेगेटिव ही नेगेटिव है। शॉर्ट की साइड्स में ये है उज्जीवन और अभी एक बेस्ट कैंडिडेट है शॉर्ट करने के लिए। अब गाइस अगर ये 287 के ऊपर चले जाता जो भी मैंने आपको स्टॉप लॉस दे रखा है, सो गाइस आपको यहाँ से फॉरन एग्जिट कर लेना है और वापस आपको एक फ्रेश बाय लेकर हम इसमें काम करेंगे। सो गाइस आप इसको भी अपने चार्ट्स में एक ट्रेंड लाइन के बेसिस में बना सकते हैं, ऐसे वीडियो को एक बार पॉज करिएगा, आली चार्ट ओपन करने के बाद ऐसे एक ट्रेंड लाइन आप जरूर बना सकते हैं, या फिर आप ये जो चैनल है इस चैनल को ना ही बनाइएगा, सिर्फ आप इस बॉटम को लेके एक ट्रेंड लाइन बना सकते हैं, तो भी आपके लिए एक अच्छी खासी बात हो जाएगी।
गाइस अब हम बढ़ते हैं HSIL पे। HSIL का चार्ट ओपन करके रख लिया, और HSIL के चार्ट में हमें ऐसे ही क्या चीज देखने को मिली कि मैंने आज अपने क्लाइंट्स को भी इसमें बाय पोजीशन दी थी और उसका भी टारगेट हमें अचीव हो गया था गाइस, अभी भी एक ये बाय कैंडिडेट बना हुआ है। आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें मूविंग एवरेजेस लगा रखी है 50 डे की, 100 डे की और 200 डे की। तो गाइस अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां से एक साल पहले इसने अपना 50 डे, 200 डे और 100 डे एमा को ब्रेक कर दिया था और कंटिन्यूसली एक साल तक वो उसी के नीचे ट्रेड करते रहा। गाइस अब हमने देखा था कि इसने इस 2018 में आखिरी के कुछ महीनों में अगर हम बात करें तो 1 जनवरी को ही इस साल उसने उस लेवल को ब्रेक करा, यानी कि 50 एमा को ब्रेक करा। उसके बाद उसने 100 डे के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ब्रेक करने के बाद वापस एक कंटिन्यूसली फॉल आई, अपने 50 डे को रिस्पेक्ट दिया इसने और वापस ऊपर गया, और हमने कल देखा था कि उसने अपने जो प्रीवियस स्विंग हाई है उसको भी ब्रेक कर दिया था। ब्रेक करने के बाद हम देख रहे थे कि वॉल्यूम्स में कोई चेंज है कि नहीं है। यस गाइस आप नीचे वॉल्यूम्स देख सकते हैं, हर दिन वॉल्यूम्स कंटिन्यूसली इंक्रीज हो जा रहे थे और आज भी इसमें अच्छे खासे वॉल्यूम्स रहे। गाइस अब मुझे जो इसमें एक्सपेक्ट लग रहा है कि जो ये 285 तक तो आराम से जा सकता है, जो इसका 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, जो सिंपल मूविंग एवरेज है, उसके बाद शायद वो इसे भी अगर ब्रेक कर देता है, और ब्रेक करने के बाद जो मैंने आपको बता रखा है कि 3 दिन तक लगातार ग्रीन कैंडल्स होनी चाहिए, वॉल्यूम्स अच्छे खासे होने चाहिए, तो ही हम इसको फ्रेश बाय लेकर चलेंगे। इंट्राडे या 2 दिन के पोजिशनल होल्ड के पर्पज से आप HSIL को बाय करके चल सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ 285। अगर इसे ब्रेक करता है तो जो मैंने आपको कंडीशंस बता रखी है उसे नोट करिए, उसके ऊपर ही जाइए तब भी इसे बाय करके चलिएगा, वरना फॉल्स ब्रेकआउट आपको हर बार देखने को मिल सकते हैं और आप अपना पैसा डुबा सकते हैं। सो गाइस इसको भी हम बाय करके चलेंगे। अब हम बढ़ते हैं टेक महिंद्रा की तरफ। मैं टेक महिंद्रा की बात करूं तो टेक महिंद्रा में मुझे ज्यादातर कोई ज्यादा स्कोप लगता नहीं है, पर इंट्राडे पर्पज से मुझे लगता है कि अब इसमें एक फ्रेश बाय हम बना सकते हैं सिर्फ टू सिर्फ कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए। आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से इस पर्टिकुलर ट्रेड ने काउंटर ने अपने जो इसकी ऊपर के रेजिस्टेंस है उसको ब्रेक करा था, ब्रेक करने के बाद बिल्कुल सेम तरीके से जो स्पॉट्स में बना हुआ वही सेम पैटर्न मैं आपको बता रहा हूँ। ब्रेक करने के बाद ये ट्रेड ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद वापस ये नीचे आया, अपने इसको रिस्पेक्ट दिया, रिस्पेक्ट देने के बाद वापस ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद हमने देखा इसने जो प्रीवियस स्विंग हाई है जहाँ से वो एक स्विंग यानी कि उसने जो एक फॉल लिया था वो फॉल के बाद वापस उसके ऊपर इसने क्लोजिंग दी, और आज भी हमने इसके ऊपर क्लोजिंग देखी विद वॉल्यूम्स के साथ। सो गाइस अभी एक फ्रेश बाय बन सकता है हमारे लिए कल के ट्रेडिंग सेशंस के अंदर, तो हम इसमें एक फ्रेश बाय लेकर चल सकते हैं। ज्यादातर इस चार्ट में मुझे कुछ लगता नहीं है बाय करने के लिए, तो मैं अपने क्लाइंट्स को भी इसे ज्यादातर बाय करने की सलाह देता नहीं हूँ, सिर्फ कल के ट्रेडिंग सेशन में दूंगा, तो अगर ये हमारे कंडीशन के हिसाब से चलता है। गाइस लास्ट रिलायंस जो कि मेरा बहुत टॉप फेवरेट है मैं आपको दिखाना चाहूंगा। रिलायंस का चार्ट ओपन करके रखा हुआ है, रिलायंस के चार्ट में हमें एक बहुत अच्छी चीज देखने को मिली है। आप देख सकते हैं सबसे पहली बात तो ये मैं आपको वैसे बताने का कोई जरूरत तो है नहीं, अगर आप इस बॉटम्स को भी मिलाएंगे बिल्कुल इन बॉटम पे ट्रेड करके इसने मूवमेंट दी। दूसरी बात इस बॉटम पे ही आपने देखा होगा जहाँ से रिवर्सल आया वो 38.2% का रिट्रेसमेंट लेवल है जो कि आप खुद देख सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं कि वहां से जब इसने अप मूव दी तो एग्जैक्ट उसने 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल को ब्रेक करा, और ब्रेक करना विद हाई वॉल्यूम्स के साथ, आप नीचे वॉल्यूम्स भी देख सकते हैं। अभी हमारे लिए फ्रेश बाय बन चुका था। फ्रेश बाय कब बन चुका था? इसके ऊपर हमें था कि 2-3 दिन तक ये कंटिन्यूसली टिकना चाहिए। दूसरी बात ये जो हमारे लेवल्स थे जिस लेवल से हमें इसे बाय करना था उस लेवल के ऊपर ये बहुत जा चुका था उस दिन, तो हमारे लिए फ्रेश बाय कब होता? जब ये वापस उस लेवल को टेस्ट करने आता और तब हम कंडीशनल इसे बाय करते। आप देख सकते हैं 61.8% रिट्रेसमेंट इसके लिए भी कितना बड़ा रेजिस्टेंस था कि तीन बार यानी कि 3 बार इसे टेस्ट करके नीचे आ गया था, और आज के ट्रेडिंग सेशन में इसने इसे ब्रेकआउट दिया था। ब्रेकआउट देने के बाद हमने देखा था इसने फॉल लिया, वापस रिस्पेक्ट दी और ऊपर गया। आज इसने अपने स्विंग हाई को जहां से वो ब्रेक हुआ था उसको ब्रेक करा 1263 और 1265 पे, पर तब ये मेरे ध्यान पे नहीं आ पाया, वरना मैं अपने क्लाइंट्स को वापस इसे बाय करने की सलाह जरूर देता, और ये अपने न्यू हाई यानी कि जो इसका हाई बना हुआ है 1320 या 1325 का वापस उसकी तरफ ये जाने की बिल्कुल प्रोबेबिलिटी लगता है,
अगर ये हो सकता है 2-3 दिन कंसोलिडेट करे 12,890 टू 12,80 के बीच में, तो आप उसमें भी एक फ्रेश बाय बना सकते हैं। अगर आपको कल ये लोअर लेवल्स में मिलता है तो भी आप इसे फ्रेश बाय बना के चलेंगे, और आखिरी के घंटे में आपको ये अच्छा खासा प्रॉफिट देके एग्जिट जरूर करवा देगा गाइस। तो गाइस ये थे मेरे 5 कॉल जो मैंने आपको चार्ट्स में समझाए हैं। इन चार्ट्स को पॉज करने के बाद आप अपने खुद के प्लेटफॉर्म पर जाके चार्ट्स पे ये ड्रॉ करिएगा और आप समझ जाएंगे, और इसे कंटिन्यूसली आप डेली बेसिस में फॉलो जरूर करिएगा तो आप खुद एक एक्सपर्ट बन जाएंगे। से गाइस 3 चीजें को आपको अपने चार्ट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के अंदर रखना है, मूविंग एवरेजेस, ट्रेंड लाइंस, फिबोनाची और वॉल्यूम्स। इसके अलावा कोई इंडिकेटर आपका काम नहीं करेगा। इंडिकेटर्स हमें थोड़ा बहुत सिलेक्टिव बता देते हैं, पर उससे ज्यादा हमें जो एक स्ट्रिक्ट बाय या सेल देता है वो एक ट्रेंड लाइंस और फिबोनाची हमें आराम से दे देती है गाइस। तो गाइस इसी के साथ मैं वीडियो को वाइंड अप करना चाहूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और जो ये मैं सीक्रेट कॉल आपके लिए हर दिन लेकर आऊंगा इसके साथ जुड़े रहिएगा गाइस। एक बात और, मैं हफ्ते में 3 दिन ही ये शायद वीडियोस आपके लिए अपलोड करूंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा अगले दिन आपको मार्केट में क्या बाय या सेल करके चलना है। तो उसके अलावा अगर आप चाहते हैं मैं डेली बेसिस में आपके लिए वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर टॉपिक लिख के दीजिए कि मैं किस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर आपके लिए वीडियोज बनाऊँ और उसके अंदर मैं क्या आपको सिखाऊं। सो गाइस आप सीखने में ज्यादा फोकस करिए, इन्वेस्ट करने में कम करिए। जब तक आप सीख जाएंगे तो आपको खुद पता होगा कि मुझे कब एग्जिट करना है, कब बाय करना है और कब ट्रेड लेना है। सो गाइस इसी के साथ मैं वीडियो को वाइंड अप करना चाहूंगा। मिलता हूं आपसे कल नई अगली वीडियो के साथ। साइनिंग ऑफ।